आ रहा है। देखिए मेरा बेटा कितना प्यारा सा है, मुझे बाह ला के दिया है। आप बाबू खाएगा ऑरेंज ऑरेंज। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं सरोज नगर शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मैं सरोज नगर से बहुत सारा ज्वेलरी परचेज करी हूँ, जो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साइड में जो दिया हुआ बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में जितना भी वीडियो अपलोड करो ना उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और हाँ, आप लोग मुझे जो मेरे चैनल पे न्यू है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं यहाँ दे दूंगी। तो चलिए बिना बात के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे फर्स्ट जो मैं आप लोगों को शो करना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत सी ये नेक पीस है। एक एलिफेंट बना हुआ है और यहाँ कुछ झुमके लगे हुए हैं, और ये देखो इस तरह का कुछ डिजाइन है जो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। और इस तरह का ना आप किसी साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हो, और किसी सिंपल से सूट के साथ वेयर करो तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और वो सिंपल सा सूट ना बहुत हेवी लुक देगा, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह का नेक पीस। आप तो आप इसे किसी के साथ भी वेयर कर सकते हो, ये साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत जाता है, सूट के साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हो, और किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी इसे वेयर कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत सा लगने वाला है, तो मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गया और इसे मैं ले ली। इसका जो प्राइस है ओनली 100 रुपीज, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत सी लगी। तो फर्स्ट परचेज मेरी ये रही। देन सेकेंड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा चोकर है, इसका डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगा है मुझे, और इसे ना आप किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सी लगने वाली चोकर है। और इसका डिजाइन ना इसमें ना बहुत अच्छा सा जो वर्क है ना, बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा वर्क है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाला है ये। और इसके साथ मुझे ये इयररिंग भी मिला है, तो ओनली 100 रुपीज में मुझे ये चोकर मिलता है और ये इयररिंग सेट में, तो मुझे ये काफी खूबसूरत सा लगा। इसलिए मैं सोचा चलो 100 रुपीज में मिल रहा है तो एक ये भी ले लिया जाए, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, खूबसूरत सा लगा ना मुझे कि मैं देखते हुए नहीं मुझे एक चाहिए ये। और सबसे अच्छी बात है कि ये चोकर जो है ना वेस्टर्न के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है, जो इंडियन वेयर है उसके साथ तो अच्छा लगता ही लगता है, वेस्टर्न के साथ ही बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसलिए मैं सोचा चलो एक ले लिया जाए, और इयर रिंग के साथ मिलता है और ओनली 100 रुपीज में, तो क्या था सोचना ही नहीं था, इसलिए मैं इसे एक परचेज कर ली। देखिए मेरा बेटा कितना प्यारा सा है, मुझे बाबा ला के दिया है। आप बाबू खाएगा और फिर जो मैं खरीदी हूँ बहुत ही प्यारा सा झुमका, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमकी नीली ली मेरी जान, ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा लगने वाला ये झुमका है। तो मुझे ना ये झुमका ना बहुत ही अच्छा लगा, और ये मुझे ओनली 50 में मिला। इसका डिजाइन ना बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही इसका जो ये ना बहुत बारीकी से वर्क किया हुआ है, तो मुझे टोटल लग ना ये झुमका बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, तो इसलिए मैं इसे भी परचेज कर दिया, और ये मुझे ओनली 50 का पड़ा है, 50 रुपीज में इतना प्यारा सा झुमका। तो सरोजनगर में ना सब कुछ ऐसे ही बहुत सस्ते दाम में मिल जाते हैं, जैसे मैं सरोजनगर जाती हूँ जब भी ना मैं भर भर के शॉपिंग करती हूँ, झुमका नेक पीस फिंगर रिंग। ठीक है, मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। देन मेरी फोर्थ परचेज जो है ये बहुत ही प्यारा सा ये इयर रिंग है, चलिए मैं इसको आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। ये देखो इतना खूबसूरत सा है ना, क्या और नहीं है, बहुत ही प्यारा सा इयर रिंग है ये, लोटस बने हुए हैं और यहाँ कुछ ये लगे हुए हैं, आप
आप लोगों में सिंगल सिंगल दिखाती हूँ किस तरह का डिजाइन दिखता है इसका। और आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉइज आ सकता है क्योंकि प्यारा सा बेटा मेरा यहाँ खड़ा है और उसका कार्टून चल रहा है टीवी में, जिससे थोड़ा बहुत नॉइज आ सकता है, उसके लिए सॉरी। देखिए इसका डिजाइन जो है ना बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है ये देखो। और ये मुझे मिला ना ओनली 25 में, ओनली 25 का ये है। फिर जो मैं परचेज करी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से, ये देखो ये इयररिंग भी बहुत ही प्यारा सा लगता है, ये देखो ये सबको मैं पहन के दिखाती हूँ तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है ये। ये इयरिंग भी मुझे बहुत ही खूबसूरत सी लगी और इसे आप किसी टॉप के साथ वेयर करोगे ना और कुर्ती के साथ भी चलेगा, बहुत ही खूबसूरत सी लगने वाली ये इयरिंग है। ये भी ओनली 25 का है मेरा। फिर जो मैं ली हूँ ये बहुत ही प्यारा सा हुप है, ये देखो इसे मैंने बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मुझे पता था कि ये मुझे सरोजनी में ही मिलेगा बट बहुत दिनों से मैं जा नहीं रही थी और गई तो बस मैं इसको उठा के ले आई। और ये ना साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत सी, बहुत ही स्टाइलिश लगता है, इसलिए मैं ये ले ली। और ये भी ओनली 25 का है। देन जो मेरी हूँ ना ये रेड ली हूँ, इस टाइप का ना वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेड कलर का जो मेरा टॉप सब है ना उसको मैचिंग करके ली हूँ मैं। ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसे पूरा मैचिंग करके। और ये ना सब कलर में जिस भी कलर में देखो ना ये मिल जाएगा आपको, तो ये मैचिंग करके पहनते हो ना टॉप के साथ, सॉरी इसे टॉप के साथ मैचिंग करके पहनोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत सी लगने वाली है वो। और इसका साइज ये बहुत सही है, ये कोई भी पहन सकता है इसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी। देन जो मैं ली हूँ ना एक छोटी सी झुमकी, एक छोटी सी झुमकी ली हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी है, देखो प्यारा सा लग रहा है ना इसका ये जो वर्क है ना यहाँ, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और ये छोटा सा है इसमें झुमका, इसे भी आप किसी के साथ पेयर करोगे ना बहुत खूबसूरत सी लगती है ये तो। ये मुझे ना ओनली 20 में मिला है ये छोटी सी झुमकी। फिर जो मैं ली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा, और यहाँ ये जो पहनी हूँ ना ये भी मैं सरोजनी में ली हूँ, ये देखो ये तो मैं दिखाना ही भूल गई थी, ये फिंगर रिंग भी मेरा सरोजनी का है, ओनली 50 रुपीज। इसका वर्क देखो कितना खूबसूरत सा लगता है, कोई नहीं बोलेगा कि ये 50 में मिलेगा। फिर जो मैं ली हूँ सेम फिंगर रिंग ली हूँ, ये देखो ये फिंगर रिंग भी कितना खूबसूरत लग रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। इसका भी डिजाइन ना बहुत ही बारीकी से वर्क किया हुआ है, देखो मुझे ये फिंगरिंग भी बहुत अच्छा लगा। तो ये मुझे 30 में मिला है ये वाली फिंगरिंग, और ये 50 में, और ये बहुत पहले 20 मिली थी सरोजनी का ही है ये भी से। और अभी मुझे लगता है 5 ईयर्स हो गए ये लेके, बट अभी तक थोड़ा सा इतना कलर गया ना कुछ नहीं, जैसे का तैसे। और इसको पहन के ना मैं पानी वानी भी छूती हूँ बट जैसे का तैसे ही है। और ये सभी मैं सरोजनी नगर से ली हूँ। इस तरह का ज्वेलरी ना आपको सरोजनी में भर भर के मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए मैं इसको पहने ही ले जाती हूँ। और फिर जो मेरी हूँ ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये सिंदूर का डिबिया, ये देखो मिरर वर्क क्या हुआ यार, इतना बारीकी से इसमें वर्क है ना, ये देखो क्या क्या बिठाया है पता नहीं बट बहुत खूबसूरत लगता है ये मिरर वर्क वाली। और इसके अंदर हमें मिलता है एक और डिबिया, और इसके अंदर ही मिलता है एक और डिबिया, ये देखो ये 3 का सेट है और मुझे मिला है ये कितना में मम्मी 100 में, हाँ ये 100 में मिला है, ये बहुत ही खूबसूरत सा है। इसे आप कुछ भी, आप इयररिंग भी रख सकते हो, कुछ भी इसमें आप रख सकते हो, बहुत ही अच्छी और अच्छी तरीके से बंद होता है, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से बंद होता है। और इसके अंदर भी एक ली हूँ जो
देखो एक छोटी सी डिबिया पिंक कलर में है और ये भी मिरर वर्क किया हुआ है। तो ये ओनली 20 का है, इसमें आप सिंदूर भी भर के रख सकते हो। तो काफ़ी सुंदर सा ब्यूटीफुल सा डिबिया है ये देखो। या नोज पिन रखने के लिए ना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही यूजफुल होता है नोज पिन रखने के लिए। तो काफी बहुत ही खूबसूरत सी लगी मुझे ये डिबिया। तो इसमें आप कोई भी ज्वेलरी भी रख सकते हो और सिंदूर भी रख सकते हो, काफी यूजफुल होता है ये। सो गाइस टोटल मिला के मेरी सरोज नगर की शॉपिंग यही थी ज्वेलरी का। तो आप लोगों को कौन सा ज्वेलरी अच्छा लगा, कौन सा इयर रिंग अच्छा लगा, कौन सा फिंगर रिंग अच्छा लगा, मुझे सब बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।